जिला तरन तारण के चोला साहब तो जिथे की एक दो या तीन घर नहीं लगभग पांच घर एक ही रात निशाना बनाया गया है। परिवार के सरदार जगजीत सिंह जग्गू वालों दसा गया है कि लगभग जो एक कमरे तो दूजे कमरे दे विच जांदे ने सवेरे उठ के देखते ने उन्होंने कमरे की अलमारी का ताला टूटा हुआ नजर आता है जिथों पाप कहते हैं कि घर के कोई एक वड्डी चोरी की वारदात को अंजाम दिता गया। उत्थे ही दूसरे परिवार ने गल करते दसिया सुलखन सिंह जो पीड़ित परिवार उन्होंने नाम सुलखन सिंह है उन्होंने वालों भी दसिया गया कि जो वो अपने घर के चैक करते हैं तो उन्होंने भी घर के 10,000 रुपये जोड़े रखे हुए थे वो उन्होंने नहीं मिले तो उत्थे भी जी है चोरी की घटना को अंजाम दिता गया। सो लगभग 17 तोले सोना एक 1.5 लाख के करीब जी नकदी उस इलाके दे विचों चकी गई है। सो चोरों के हौसले अजकल देखने को मिलता है CCTV कैमराज लगे होंगे ने फिर भी जो चोर ने चोरी की घटना वारदात को अंजाम दे के बड़ी ही आसानी के नाल उस इलाके दे विचों निकल जाते हैं। चोरी के शिकार हुए सारे परिवार वालों पुलिस दे विच जाके अपनी शिकायत दर्ज करवाई जाती है तो पुलिस वालों भी पूर्ण तौर पर उन्होंने आश्वासन दिता गया है कि जल्द तो जल्द जोड़ा है इसते कड़ी कार्रवाई की जाएगी तो बनती जो भी कार्रवाई है वह तफ्तीश जारी रहेगी। दूसरी खबर तो दिखा जा रहे हैं न्यू चंडीगढ़ के बिल्कुल नज़दीक पेंदे मस्तगढ़ तो जिथे कि तिया का त्यौहार मनाया गया। सो अज के समय की गल करिए तो पंजाब के अलग अलग हिस्सों के तिया के त्यौहार मनाए जा रहे हैं। सो इसी तरह की धूम तो इसी तरह की एक उत्साह जड़ा है मस्तगढ़ के तिया के त्यौहार वेखन को मिले जिथे औरतों वालों इकट्ठे होकर एक जगह निश्चित करके उसे तिया का त्यौहार मनाया गया तो तिया के संधारे भी दिते गए तो गिद्धे पाए गए। सो पंजाब के अगर गल की जाए तो मुड़ तो पहलों की सांझ जी है वह बनती हुई नज़र आ रही है। सो असं उम्मीद करते हैं कि पंजाब दे विच जो खुशी का माहौल है इस तरह ही बरकरार रहे। तो अगर तिया के त्यौहार की गल की जाए तो इस समय पंजाब दे विच तिया का त्यौहार मनाया जा रहा है सौण के महीने दे विच तिया के त्यौहार मनाए जा रहे हैं तो मस्तगढ़ दे विच भी जिहड़ियां औरतां वालों इकट्ठे होकर त्यौहार मनाया गया उन्होंने वालों भी यही कहा गया कि विरासत के रूप के जो सानू ये त्यौहार मिलिया इसनू पीढ़ी दर पीढ़ी देने की जरूरत है क्योंकि जिवें जिवें मॉडर्नाइज्ड जमाना हुंदा जा रहा तो कितने ना कितने विरासत के सभ्याचार के त्यौहार जिहड़े ने अलोप होंदे हुए नज़र आ रहे हैं। सो मस्तगढ़ दीआं तीआं वालों भी उन्होंने वालों भी यही औरतों वालों कहा गया कि अपने सभ्याचार को बचाने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी इस त्यौहार को देने के लिए जो उपराले ने उन्होंने वालों करते रहना चाहिए है तो किते जाएंगे अगे नूं फ्यूचर दे विच। मस्तगढ़ दीआं तीआं दे विच जिहड़ियां औरतां शामिल हुई उन्होंने वालों भी यही कहा गया कि अपने सभ्याचार ते अपनी विरासत को बचाने की बेहद जरूरत है इस समय क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत ही मॉडर्नाइज्ड जमाना हो चुका है नवे ख्याल से नवी सोच आ चुकी है पर उसके नाल किते किते इसने सभ्याचार को बचाने के जिहड़े उपराले ने इस तरह दीआं तीआं दे विच सानू वेखण नूं मिले ने। सो मस्तगढ़ दीआं तीआं दे विच औरतां वालों बेहद उत्साहित होकर गिद्धे पाए गए ने संधारे वंडे गए ने। सो जिहड़ी एक पुरानी पीढ़ी चलती आ रही थी संधारियां नूं लैके जिथे एक पेक्यां दे नाल एक धी दी सांझ नूं भी दर्शाया जांदा है एक प्यार नूं जिहड़ा हैगा दर्शाया जांदा है। सो इस तरह दीआं ही होर दिलचस्प ते रोचक खबरां लैके फिर तो तुहाडे सामने हाजिर होवांगे तद तक दे लई मिलदी इजाजत धन्नवाद।